उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के तहसील बबेरू में बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ द्वारा किसानों की समस्या को लेकर उपजिलाधिकारी बबेरू के तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा गया है। इस समय सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर नारेबाजी करते हुए उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन भेजा। बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता मिलकर सरकार से अपील की है, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो समस्त कार्यकर्ता काम कर बड़े आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसमें सरकार को किसानों की समस्या को देखते हुए संज्ञान लेने की जरूरत है। जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है। जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है। जो अधिकारी गुंडा है हाथ में डंडा करना है। जो अधिकारी गुंडा है हाथ में डंडा करना है। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि हम ऊपर शासन को भेजेंगे, जो यहाँ से जिन समस्याओं का समाधान होगा तो यहाँ से करवाएंगे, नहीं शासन स्तर को भेजेंगे। ज्ञापन में 5 सूत्री मांगों को हमने दिया है। किसान बुरी तरह परेशान है, लो वोल्टेज की समस्या है, बिजली विभाग की सबसे बड़ी समस्या इस समय चल रही है, अन्ना प्रथा है, किसी गाँव में गौशाला में बंद है, किसी में छुट्टा है, सारा कुछ हीला हवाली का काम चल रहा है। चूँकि बुंदेलखंड में जहाँ गर्मी आई तो जानवर घर के गौशालों के सारे छोड़ दिए जाते हैं, ये नहीं कि मतलब गौशालाओं वाले जानवर 12 महीना बंद रहे, ये स्थिति है तो साथ में सारे लोग भी छोड़ देते हैं। बुंदेलखंड की समस्या किसान प्रधान सरकार तीनों के बीच की समस्या है। आपको क्या लग रहा है कि ये मांगे आपकी मानी जाएंगी? बिल्कुल मानी जाएंगी, जब नहीं मानी जाएंगी तो किसान तो इस तरह आंदोलनरत है। हम दो दो तीन तीन महीने वहाँ पलवल में हमने तो मोदी जी को हराया है, योगी जी क्या बात है? नहीं मानी गई तो क्या? नहीं मानी गई तो हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलनकारी लोग हैं हम, तीन तीन महीना वहाँ जमीन में पड़े हैं, सिंघू बॉर्डर में, पलवल बॉर्डर में, हमारी वहाँ पर तैनाती रही, हम लोग 71 लोग थे बांदा के, वहाँ पर अगर आंदोलन नहीं हमारा हो तो उग्र रूप धारण करेगा आंदोलन। इस समय आप कहाँ पे खड़े हैं? इस समय हम बबेरू तहसील पर खड़े हैं। आपको सर जी क्या नाम है? जी वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ दिनेश कुमार निरंजन। ज्ञापन में क्या आश्वासन दिया गया आपको? देखिए ज्ञापन में आश्वासन ये दिया गया है कि जो अन्ना प्रथा वाली समस्या है तो वो SDM साहब ने आश्वासन दिया है कि ये लगभग बहुत जल्द ही मान लीजिए इस पर निराकरण हो जाएगा। इसके अलावा जो उच्च लेवल की मांगे हैं वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि जो हम लोगों की मांगे हैं, हमारे किसानों की जो मांगे हैं, वो पूर्ण की जाएंगी। बिजली विभाग चलने के बाद 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें लो वोल्टेज की समस्या, संपूर्ण बुंदेलखंड को सूखा घोषित किया जाए, संपूर्ण बुंदेलखंड में हमारे किसान भाइयों का कृषि ऋण माफ़ किया जाए, इसके अलावा जो बैंकों द्वारा अवैध तरीके से वसूली की जा रही है इस पर रोक लगाई जाए। हमारा किसान देगा, अगर उसने ऋण लिया है तो देगा, लेकिन उस पर धीरे धीरे करके ले लिया जाए, मतलब वसूली जो बलपूर्वक की जा रही है इस पर बिल्कुल पूर्णतः रोक लगाई जाए। प्रहलाद करोरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ। हम लोग SDM महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बुंदेलखंड के किसानों का संपूर्ण कृषि ऋण माफ हो, बिजली की समस्या का निदान हो, लो वोल्टेज से छुटकारा मिले, अन्ना प्रथा गौवंश को सुरक्षित किया जाए, किसानों के ऊपर जो बलपूर्वक वसूली चल रही है उसको रोका जाए, RC वापस किया जाए ताकि किसान जो है अपनी जीविका चला सके, और पूर्व की भांत वो अपने आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा यदि माननीय महोदय जी हमारे इस ज्ञापन में नहीं ध्यान दे रहे, तो बुंदेलखंड में पुनः की तरह पूर्व में 14,000-15,000 लोग आत्महत्या कर चुके थे, कर्ज से दबे कुचले, उससे राहत मिली थी, फिर जो है वसूली प्रगति पर है, इसलिए हमने SDM महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। और यदि ये कारवा न रुका तो बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ एक बृहद आंदोलन करेगा। हिंदुस्तान मजदूर संघ जिंदाबाद।
महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए रामरूप कुशवा, बबेरू बांदा। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयां मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेंपल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।